मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो सब लोग? तो तैयारी हो रही है गोवा रोड ट्रिप की। इधर देख के बात करना। हाँ, गोवा रोड ट्रिप की। केबल कहाँ है? अच्छा, नहीं इधर। तो अपन मस्त लवा लब रेडी हो गए हैं, एकदम कंप्लीट। और पहले ये सामान देख ले, फिर आपसे बात करते हैं। हाँ, ये तो आगे वाला सामान है, ये आगे वाला। पीछे यहाँ पे, अरे एक मिनट बेबा, अरे 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 क्या हो रहा है? अच्छा, अब खुल जाएगा ना। हाँ, एक बैग यहाँ पे रखी है, एक बैग वहाँ पे है, और ये गद्दा। मैंने आपको बोला था ना, सैम हमारे पास, हमारा डॉग है, वो साथ में जा रहा है, तो उसके लिए एकदम मस्त गद्दी, राजगद्दी तैयार कर दी है। बाकी डिक्की में सामान है, वो मैं अभी लेट हो रहा है, अभी दिखाऊंगा नहीं। अभी चलो मैडम को बुला थे ऊपर जाके, थोड़ा सा सामान है, एक बैग है, वो बैग लेके आके फिर यहाँ से भगवान का नाम लेके 9-2-11। अच्छा, सबसे पहले सैम को लेना है। हाँ, सैम को लेकर जाएंगे, उसके बाद चलेंगे। चलो ऊपर। ये कार तो अभी बाहर, मतलब बाहर जा रही है, और ये मैडम दूध पिला रहे किसको? डॉगीज को। ये लो। अब मैं इधर बाहर इसलिए रुके हैं क्योंकि भूल गए थे, ये कार है ना अपनी, ये प्यारी वाली कार, ये कार को। अच्छा हाँ भैया, अभी वहाँ पे है, वहाँ पे जाओ। ये वाली कार अभी अंदर पार्क कर दे ना, बेसमेंट में। पता चला 5-6 दिन ऐसे ही पड़ी रही और कोई कांड करके चला गया। चलो तो इसको अंदर रख देते हैं अभी, बेसमेंट में। चलो भाई आगे अंदर। सबसे पहले ट्रिप मीटर जीरो कर दो। अरे ये क्या कर रहा हूँ मैं? कंगना रनौत कुछ काम नहीं है तुम्हारा, शांति रखो अभी। अच्छा, ट्रिप मीटर जीरो, ए ट्रिप जो है, ट्रिप ए, उसको जीरो कर दे। ये हो गया जीरो। पेट्रोल तो भरवा लिया था कल, 527 की रेंज दिखा रही है और 17.3 की एवरेज। चलो भगवान का नाम लेते हैं और चलते हैं, जय गणपति बाप्पा। चलो चले फिर। सबसे पहले यहाँ पे सैम को लेंगे और उसके बाद 9-2-11। चलो रेडी रेडी, चलो चलो चलो, अंदर नहीं जाए अभी, गाड़ी में जाना है। आ जाओ गाड़ी में जाना है, चलेगा? है तैयार है ना? तैयार है। चलो भाई। हेलो सेमी, हाउ आर यू? वेलकम टू द गोवा सिंगम। है गोवा चलेगा हमारे साथ? देखो हमारे भाई साहब बैठ गए एकदम कंफर्टेबली, राजा की तरह सीट उनकी पूरी तैयार कर दी है। अब ये बैठेंगे, एसी की विंड का, एसी की हवा खाएंगे और धीरे धीरे चलेंगे। हैं, क्या सोच रहा है? बोल रहा होगा चल बे ड्राइवर, गाड़ी चला। हाँ राजा भैया चला दे, तुम राजा बिट्टा हो ना, तुम्हारे जीजा जी गाड़ी चलाएंगे और तुम बैठोगे। चलो पिस्टन डाल दिया है कलंगूट का, अब जहाँ तक पहुँचे। देखो अभी हाल फिलहाल हमने कितने बजे, 4 बजे हमको निकलना था, 12 बजे, समझ रहे हो? 12 बजे कितने आलसू हूँ मैं, 12 बजे निकलना था, 4 बजे निकल रहे हैं। और मैंने दिखाया है सैम भाई को ले लिया है, और हमने यहाँ पे डेस्टिनेशन अभी कलंगूट का लगाया है। अब हम आज के आज तो पहुँचने नहीं वाले, कल पहुँचने का टाइम दिखा रहे 1:34, पर अपने क्या है नाइट ड्राइविंग अवॉइड करेंगे, जहाँ रुके जहाँ पहुँच पाए वहाँ तक जाएंगे, उसके बाद देखते हैं आज की नाइट कहाँ तक पहुँचते हैं। मतलब मैक्सिमम मैं 10-11 बजे तक ड्राइव करूँगा, उसके बाद होटल लेके स्टे कर लेंगे। और चलो शुरू करते हैं आज की जर्नी गोवा वाली। अब हम अहमदाबाद से गोवा की रोड ट्रिप स्टार्ट तो की है हमने, पर जैसे मैंने बोला कि अभी हम पहला डेस्टिनेशन रात को कहाँ करेंगे वो तो देखते हैं आने वाले टाइम में, वक्त में, थोड़े वक्त में पता चल जाएगा। हाल फिलहाल हम अहमदाबाद से निकले हैं, ये है सरदार पटेल रिंग रोड, और ये सीधा सीधा अपने अप्रॉक्स 10 किलोमीटर के बाद, अरे सॉरी 12-15 किलोमीटर के बाद अपने को बड़ौदा एक्सप्रेस हाईवे मिलेगा। तो आगे सीधे सीधा बड़ौदा एक्सप्रेस हाईवे आएगा, वहाँ से हम लेफ्ट लेंगे और सीधा सीधा बड़ौदा से सीधा सीधा सूरत से होते हुए, वापी से होते हुए सीधा मुंबई, वो रास्ता एकदम स्ट्रेट है। तो अभी ये रास्ता हाल फिलहाल तो अच्छा है, मतलब समझ लो बड़ौदा तक तो रास्ता एकदम मस्त मिलेगा, उसके बाद आगे देखते हैं क्या है। वाइट वाइट पचास ना पचास
हाँ ले लो 50 में 500 लो 250 250 ले लो कटिंग करके ले लो काट के दे तो 250 हाँ अभी कितने किलोमीटर चले 12 किलोमीटर और दिख गया मैडम को अमरुक तो अमरुक तो खाएंगे बेटा तू खाएगा ओ ओ भैया राजा ओ बेटा खाएगा तू काटना मत भाई तेरे को मैं सेफली पहुंचा दूंगा गोवा तेरे को गोवा घूमने की बहुत इच्छा है ना भाई हम गोवा इसके लिए जा रहे ये इंसान के लिए जा हाँ भाई तेरे लिए जा रहे हैं इंसानी जानवर है ये जो भी है ये हमारे लिए इंसान है इस ये शक्ल देख रहे हो ये भोली शक्ल हाँ तेरे लिए गोवा जा रहे हैं बाकी हमको कोई शौक नहीं हम इससे इतना प्यार करते हैं ना तो इसको हर साल दिवाली में गोवा जाना होता है तो लास्ट ईयर भी लेके गए थे इस बार भी लेके जा रहे तो गोवा हम इसके लिए जा रहे और कुछ नहीं है जिंदगी में बस यही चीज करनी है बेटा बाय द वे हैप्पी दिवाली हैप्पी वाली दिवाली आज दिवाली है दिवाली के दिन है और हम दिवाली के दिन निकले हैं गोवा के लिए हैं भाई साहब पीछे आराम से बैठे हुए हैं कोई है टेंशन इस इंसान को कोई टेंशन है हैं जहाँ मालिक ले जाए वहाँ चलो हैं खाना खिलाए खाना खा लो पट्टी कर लो ये कर लो उठो खाओ पट्टी करो और सो जाओ उठो खाओ पट्टी करो सो जाओ और कुछ नहीं तो चलो अपने निकले अपनी हमने ले लिया है क्या अमरुक मैडम का फेवरेट और खाते पीते चलेंगे हम खाते पीते चलेंगे आराम से और अपने को कोई जल्दी नहीं है देखो हम 26 का हमारा होटल का विला का चेकआउट चेक इन है और हम आज हुई है 24 दो दिन पहले निकले हैं भैया दो दिन पहले निकले तो दो दिन पहले इसलिए निकले हैं कि रोड का मजा ले आराम आराम से चले है ना आराम आराम से चले सही है ना हाँ कुछ गलत बोलो तो बता देना स्क्रिप्ट मैडम ने लिखी है जो भी बंडल हो जाए ना तो मेरे को दोष मत देना मैडम को बोलना मैडम ने स्क्रिप्ट लिखी है हाँ तो आराम आराम से जाएंगे जहाँ रात हुई जहाँ थकान हुई वहाँ होटल लेके सो जाएंगे फिर दूसरे दिन आराम से निकलेंगे यहाँ से अभी लेफ्ट साइड ये जो रास्ता है वहाँ लेफ्ट साइड ले रहे हैं हम ये सीधा जाएगा बड़ौदा एक्सप्रेस हाईवे पे सबसे पहले यहाँ पे हमारी जर्नी का पहला टोल इधर आएगा ये सामने आया अब इधर से सीधा कंटिन्यूसली बड़ौदा ये बड़ौदा एक्सप्रेस हाईवे है सीधा सीधा बड़ौदा एक्सप्रेस हाईवे पे ये जाएगा ये आ गया जर्नी का सबसे पहला टोल हाँ दादा फास्टैग लगा हुआ है लगा दो अरे काटो अच्छा हाँ कट गया कह रहे अब तक तो मेरे को ऐसा था कि पहली बार फास्टैग चला रहे हैं ना मतलब अभी अभी लगा है फर्स्ट टाइम फास्टैग अब फर्स्ट टाइम ही फास्टैग काम करना नहीं करे तो लोचा हो जाए ना तो वो थोड़ा बहुत लबक लबक होता रहता है ना कि नहीं चला तो डबल पैसे देने पड़ेंगे बट फॉर्चुनेटली फास्टैग काम में आ गया बस ये है बड़ौदा अहमदाबाद बड़ौदा एक्सप्रेस हाईवे अब यहाँ से अप्रोक्स 100 किलोमीटर नॉन स्टॉप कार चलेगी हम सोच रहे देखेंगे क्रूज कंट्रोल डाल देंगे और धीरे धीरे पहुँचेंगे आराम आराम से तो चलो मज़ा लेते हैं ये रोड का एक्सप्रेस हाईवे का अब पैसा दिया है तो मज़ा तो लेंगे कि नहीं लेंगे भैया हैं देखो 100 पे क्रूज कंट्रोल डाल दिया है अब अपने को कुछ नहीं करना है पैर वैर हटा दिया है अब आराम से बैठेंगे और कार अपने आप चलेगी और है ऑटोमेटिक कार ऐसा लगेगा और ऑटोमेटिक कार चला रहे हैं और कितना किलोमीटर हुआ है हमारा 31 100 किलोमीटर ऐसे ही रास्ते मिलेंगे यही रास्ते पे चलना है एकदम आराम आराम से और ठीक है रास्तों का मज़ा लेंगे अभी तो कार अभी तक तो कार बहुत मस्त परफॉर्म कर रही है और मज़ा आ रहा है मुझे ऐसा था कि कार में ये सामान लोड करेंगे फिर सैम भी आएगा तो थोड़ा बहुत दिक्कत होगी
पिकअप में, बट अभी तक तो पिकअप इतनी मस्त आ रही है, सॉफ्ट चल रही है, जैसे क्रूज कंट्रोल सेट किया है और मस्त। कहने का मतलब, मैंने सोचा था कि जब सामान आएगा कार में तो इतना परफॉर्म नहीं करेगी, दबेगी गाड़ी जैसे पेट्रोल गाड़ी में होता है, बट ब्रेजा वालों ने बहुत मस्त काम किया है। मारुति बिग थम्स अप मारुति सुजुकी, और फंक्शन अच्छे दिए हैं, और लग ही नहीं रहा है मेरे को कि सामान इतना सारा है। भाई साहब 50 किलो के हो गए सेम हमारा वजन, और बैग भी हमारी बहुत सारा है, 4 बैग है और डिक्की में बैग है, तो मुझे ऐसा लगा था कि सामान ज़्यादा होगा तो गाड़ी दबेगी, बट कोई तकलीफ नहीं आई है और आराम आराम से स्मूथली चल रही है गाड़ी। अब ऐसा होता है ना, जब गाड़ी स्मूथ चलती है तो आपको और मज़ा आता है, आप आराम से जितना चाहे किलोमीटर कवर कर सकते हो, थकान नहीं होता। कहने का मतलब बस इतना ही, यही था। अब आगे का रोड देखिए, कब तक ये शक्ल देखोगे, रोड देखो। देखो भाई साहब उठ गए, ओ सैम भाई, ओ टमू, ओ सेमी, बोल रहे जा ड्राइवर तू गाड़ी चला, मैं बाहर के नजारे देखूंगा, तू गाड़ी चला, ऐसा बोल रहा है ना। हाँ देखो खुश हो रहा है, कैसे खुश हो रहा है, आना है कैसे खुश हो रहा है, तेरा ड्राइवर बना हुआ आज। ओ इधर देखो, टिप भी मिलेगी ना अच्छी सी, देखो कितने मजे ले रहा है, कभी सो जा रहा है कभी खड़े होके आसपास के नज़ारे देख रहा है कोई टेंशन गाड़ी चलाने का, बस बैठ के अपने तो घूमना है। तू चला गाड़ी आगे है, है? हाँ साहब चला रहा हूँ, ये सब जय हिंद। जी भैया, अब एक्सप्रेस हाईवे को बाय बाय बोल के बड़ौदा सिटी में एंटर नहीं करेंगे, बड़ौदा सिटी में एंटर नहीं करेंगे, सीधा सीधा सूरत वाले हाईवे पे आगे, यही NH 48 है, NH 48 सीधा सीधा मुंबई तक। तो अब यहाँ पे भी एक टोल कटेगा, अंदर घुसते भी कटता है और बाहर निकलते भी कटता है, हाँ? तो बड़ौदा पहुँच गए, किलोमीटर हुए हमारे 110 और यहाँ टोल टैक्स कटेगा। टोल टैक्स का मैं हिसाब आपको बाद में बता दूंगा कि भाई कितना कितना टोल टैक्स लगता है अहमदाबाद टू गोवा। तो अभी तो ये भी रास्ता और सीधा सीधा चलेंगे और हम 200 किलोमीटर चलाएंगे, उसके बाद कहीं सोचेंगे होल्ड करने का, चलो देखते हैं। और किलोमीटर तो अभी बहुत सारे बाकी है भाई, बहुत सारे में काट लो, अभी दूसरा फास्टैग लगा हुआ है, कटा लो, अच्छा हाँ कट गया, चलो फिर। अब यहाँ से ये ओवरब्रिज से राइट साइड जाओगे तो बड़ौदा सिटी में एंटर हो जाओगे, पर अपने को बड़ौदा सिटी से नहीं जाना है, अपने को ये हाईवे NH 48 से ही जाना है, ये हाईवे से सीधा सीधा चलते हुए वहाँ चलेंगे। और मुंबई यहाँ से 450 अप्रॉक्स 450 किलोमीटर है, यहाँ से आप बड़ौदा अंदर हो जाओगे सिटी में, मुंबई 450 किलोमीटर है। हम आज का ये डिसाइड किया है हमने कि मुंबई स्टे करें, है ना, ऐसा सोच रहे हैं हम मुंबई स्टे करें, पर कितने बजे क्या, क्योंकि होटल हमने कोई डिसाइड की नहीं है, होटल कोई बुक की नहीं है, तो देखते हैं अभी कहाँ तक पहुँच पाते हैं, सोचा तो है मुंबई तक जाने का, देखते हैं। 450 किलोमीटर है हाल फिलहाल तो बड़ौदा पहुँचे, अब इसके आगे सूरत आएगा, सूरत के बाद वापी आएगा, उसके बाद चलते रहेंगे।
ये वाले रोड पे आपको ट्रक्स बहुत ज़्यादा दिखेंगे छेक मुंबई तक। देखो ये ट्रक एक दो आगे दो है और पीछे भी आ रहे होंगे, तो ट्रक्स इतनी ज़्यादा मात्रा में है ना कि पूछो ही मत। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आपको NH 48 पे ट्रक्स का मिलेगा और बसेस और बाकी तो छोटी मोटी गाड़ियाँ। और ये अपनी कार द बेस्ट कार, ये कार से मुझे रोज़ प्यार हो जाता है, रोज़ बढ़ता जा रहा है। आज का जो परफॉर्मेंस है भाई, हाँ भाई जाओ 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 जाओ, हमको कोई उतावल नहीं है, तुम जाओ पहले। हाँ तो इस कार का जो परफॉर्मेंस है ना भाई, इतना मज़ेदार है ना, इतना मज़ा आ रहा है ना, क्या करें। और देखो आगे, इसके आगे भी ट्रक है, तो ट्रक्स थोड़ा ज़्यादा मिलेंगे यहाँ पे। कब से चल रहे हैं, ये मिला है फूड एक्सप्रेस, कितने किलोमीटर चल गए दिखाओ भाई, दिखाओ दिखाओ, 288 ऑलमोस्ट 300। तो अभी थोड़ा रेस्ट कर लेंगे इधर फूड कोर्ट, ये फूड एक्सप्रेस, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलता है, थोड़ा खाना भी देख लेंगे है कि नहीं। सैम को भी स्ट्रेच करवा ले थोड़ा, खाना है कि नहीं इधर, अच्छा है, चलो अंदर तो चले, कोई दिख तो नहीं रहा है, चलो चलते हैं इधर। कार वहाँ पार्क है, अभी सैम भाई को उतारा है और सैम भाई अभी लटर मारेंगे क्या, सुसु करेंगे, पट्टी करनी और पॉटी करेंगे, मर्जी के मालिक है अपने हैं। और कार हमारी वहाँ पार्क है मस्त, और इधर देख लेंगे कुछ खाने का या पीने का, चलते हैं आगे इससे। यहाँ हमने कॉफ़ी पी ली, सैंडविच खा ली, हल्का फुल्का खाना इसके लिए, भी ज़्यादा खा ले तो फिर नींद बहुत आती है। तो अभी बस यहाँ से निकल रहे, सैम को लेके आता हूँ, सैम को थोड़ा पानी वानी पिला दूँ और फिर निकल दे। और हमने डिसाइड किया है कि हम अभी वापी रुकेंगे मुंबई नहीं, क्योंकि पहुँच पाना बहुत मुश्किल है, 11 बजे के आसपास हम वापी पहुँचेंगे। और कहाँ है इतने सारे, इसका किधर रखा है बाउल, अच्छा बाउल तो यहाँ पे ये रहा, तो क्या इसके, चलो भाई बैठ गए, किधर गए, हाँ सेमू बाबा बैठ गए। चलो भाई अभी से जैसे मैंने बोला, अभी सीधा वापी स्टे करेंगे, होटल ढूंढेंगे, सबसे पहले तो वहाँ जाके होटल ढूंढनी पड़ेगी 11 बजे, और वहाँ अच्छे से होटल ढूंढे वहाँ स्टे करेंगे, फिर कल सुबह जल्दी निकल जाएंगे। सबसे पहले अभी यहाँ पे लगा देते हैं वापी का डिस्टेंस। ये अपना गोवा वाला ही रास्ता है, इसके बीच में अहमदाबाद से गोवा के बीच में जैसे बड़ौदा सूरत वैसे वापी आता है, तो वापी हम NH 48 पे ही लगता है, तो वापी स्टे करेंगे हम। दिख नहीं रहा होगा शायद आपको ये ग्लास पे, कितना फॉग आ गया, ये देखो ये सब फॉग आ गया। अभी तो टाइम हो रहा है कितना बजे, खाली 9:30 है, हाईवे पे देखो फॉग, ये सूरत से वापिस जाने वाले रास्ते में फॉग कितना सारा है, वाइपर चलाना पड़ता है। कोई नहीं, अभी ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं, बहुत जल्दी अभी आई थिंक 20-25 मिनट में होटल के आसपास पहुँच जाएंगे और फिर स्टे कर लेंगे वहीं पर। अभी यहाँ पेट्रोल को फुल भरवा लिया है ऑटो कट तक, कार पार्क की है और सैमी भाई को चक्कर दिलाने के लिए रुके हुए हैं। और टाइम हो रहा है कितना, 11:19, और वापिस शहर पीछे छोड़ गया क्योंकि हमको कोई होटल मिली ही नहीं, हमारी शक्ल ऐसी है कि हमको कोई होटल ही नहीं दे रहा है हैं, इतनी खराब, पेट फ्रेंडली नहीं थी ना, हाँ पेट फ्रेंडली नहीं थी और हमारे भाई के लिए अलाउड नहीं कर रहा था कोई, तो हमने बोला भाड़ में जाए, लालत है ऐसी होटल पे जो हमारे भाई, हाँ
लालत है ऐसी होटल पे जो हमारे भाई को अलाउ ना करे। वो कहाँ जा रहे हो भैया? ओ ओ राजा राजा, ओ ओ भाई, धीरे 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 धीरे। हाँ तो हमने अभी ऐसे डिसाइड किया है कि अभी इसको थोड़ा चक्कर वक्कर ले जाएंगे, फिर वापस से यहाँ से मुंबई की तरफ, हाँ मुंबई की तरफ जाएंगे, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है क्या नहीं, कहाँ रुकते हैं कहाँ रहें। अभी तो एकदम फ्रेश फील कर रहे हैं कि कॉफ़ी पी थी तो नींद तो आ नहीं रही है, तो अभी एकदम फ्रेश फील कर रहे हैं, तो अभी तो सीधा सीधा निकलते हैं मुंबई की तरफ, इस तरफ। तो 3.5 घंटे कुछ दिखा रहा है, फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या होगा क्या नहीं। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट क्या है, चला लेना और क्या। देख रहे हो फॉग कितना है, ये खड़े हैं तो लगे आते साफ भी कर देते ताकि दिक्कत ना हो ड्राइविंग में, दिखता ही नहीं है, पता है ड्राइविंग में दिखता ही नहीं है, फॉग इतना सारा है ना सब जगह पे। और ये देखो पानी, वाइपर चला चला के थक गया मैं तो, एक बार साफ कर दूँ इसको। और चलो अभी साफ तो हो गया, ये देखो मच्छर पड़े हैं, ये मच्छर रास्ते में जो आते हैं ना सारे मच्छर, वो गाड़ी गंदी हो गई है पूरी। देखो मैंने ये स्वेट टी शर्ट टाइप डाल दिया, क्यों? क्योंकि ठंडी बहुत लग रही है भाई, और ऊपर से अंदर एसी चालू है, क्यों? क्योंकि हमारे सैम भाई एसी के बिना रहते हैं नहीं, तो एसी चालू है और ठंड टी शर्ट में तो ऐसी ज़बरदस्त लगती है ना। मैंने बोला भाई ये परसों पहनने था, अभी पहन लो, अभी ठंड से बचो, बाद की बाद में देखेंगे। तो चलो अभी यहाँ से हम सीधा मुंबई की तरफ निकलेंगे, अब देखते हैं कहाँ तक चलते हैं। आप वीडियो में बने रहना, अपना ये वीडियो कंटिन्यू रहेगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में मतलब व्लॉग नेक्स्ट होगा, पर ये मेरी जर्नी तो यहीं से स्टार्ट होगी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम यहीं से मिलते हैं, यहीं से मतलब यहाँ से। चलो सायनारा।